नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। मकर संक्रांति के अवसर पर झांसी के अंबाबाई में अखिल भारतीय पाल महासभा के तत्वाधान में घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाकिम पाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा मौजूद रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राकेश पाल, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र के सभी पाल समाज के लोगों ने मिलकर किया, जिसमें राकेश पाल, राजा भैया पाल और पाल महासभा के अध्यक्ष हाकिम पाल का विशेष योगदान रहा। घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता में क्षेत्र के दर्जन भर से ज़्यादा अश्वरोहियों ने हिस्सा लिया। बाद में विजेता और उपविजेता अश्वरोहियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दूर दराज से आए दर्शकों ने घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान बताया गया कि मकर संक्रांति के अवसर पर अखिल भारतीय पाल महासभा द्वारा यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष कराई जाएगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ मोहम्मद मौसम की रिपोर्ट। गोपालपुरा अंबाबाई में आज यहाँ के क्षेत्रवासियों, विशेष रूप से हाकिम पाल और उनके सहयोगी ओम प्रकाश पाल, ऐसे सभी लोगों के द्वारा माफी चाहते हैं, पाल सभा अखिल भारतीय पाल सभा के माध्यम से इस खेल के घोड़ा दौड़ का आयोजन हुआ है, खेल का आयोजन हो रहा है। सभी क्षेत्रवासियों बड़ा हर्ष और उल्लास है। आज मकर संक्रांति का भी दिन है, मैं आज के दिन की सभी क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से बधाई दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद सबके जीवन में मंगल आए, भगवान से ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये बहुत ही आनंद का क्षण है कि आज सब लोग अपने अपने घोड़ों को लेके इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस मिट्टी में आए हैं और अपना जो उनका अनुभव है, जो उनके पास क्षमता है, जो उनके पास दक्षता है, उसका प्रदर्शन वो आज इस मैदान में कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आनंदमय ये कार्यक्रम होने वाला है। सब लोग यहाँ से आनंद लेके जाएंगे। जो जीतेगा वो विजेता बन के जाएगा, जो नंबर दो पर रहेगा वो विजेता बन के जाएगा, लेकिन सब लोग यहाँ से खेल भावना लेके जाएंगे। और मैं ये कहूँ कि यहाँ से सब लोग जीत के जाने वाले हैं, कोई यहाँ से हार के जाने वाला नहीं है, कोई कुछ ना कुछ लेके तो जाने ही वाला है। कोई जीत की इनाम लेके जाएगा, कोई विश्वास लेके जाएगा, कोई तालियां लेके जाएगा, कोई धन्यवाद लेके जाएगा, कोई समर्थन लेके जाएगा। सब लोग कुछ ना कुछ लेके जाने वाले हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से यही सब उम्मीद करते हुए अपनी बात को, सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित और खास तौर से आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज आए हुए सभी इस कार्यक्रम में जो उपस्थित है और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। ये अखिल भारतीय पाल महासभा द्वारा, जनपद इकाई द्वारा और समाज के खास तौर से पाल महासभा द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, ये घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता, इसके पीछे पूरे हमारे खास तौर से हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व की जो ताकत की इकाई है, मापन की इकाई है, वो हॉर्स पावर से आंकी गई है। कोई भी चीज़ पावर की जब उपयोग करते हैं तो कहते हैं इतने हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मीन्स घोड़े की पावर को, घोड़े की ताकत को। और इस जो ताकत है हॉर्स की, उसको मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में इस जो एक प्रतीक के रूप में घोड़े की दौड़, ये पाल महासभा अब राजनीतिक रूप से सशक्ति की ओर जा रहा है और ये आगे आने वाले समय में जैसे हॉर्स पावर का प्रतीक घोड़ा माना जाता है पावर की इकाई में, ऐसे राजनीतिक इकाई में ये पाल महासभा का भी, पाल समाज का भी ये राजनीतिक रूप में, ये पावर के रूप में देखे जाएगी। अखिल भारतीय पाल महासभा जनपद झांसी के जिलाध्यक्ष हाकिम सिंह पाल जी और उनके संगठन के तमाम पदाधिकारी, महासचिव ओम प्रकाश पाल, सभी लोगों ने मिलजुल के, क्योंकि जनपद में प्राय बैलगाड़ी प्रतियोगिता ये सब आयोजित होती रही है, लेकिन इस तरह का क्रिएटिव माइंड माननीय जिलाध्यक्ष जी ने रखकर घोड़ सवार के क्षेत्र में इस परंपरा को आगे लाने के लिए जनपद में जो बुगुल फूका है और घुड़सवारों को हौसला अफजाई के लिए प्रतियोगिता आयोजित की है, निश्चित तौर पर उनका मैं हम सभी लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए,
लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।